तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो था उसमें दो आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट्स को यूज किए गए थे कैपेसिटर को बनाने के लिए। स्फेरिकल कैपेसिटर को बनाने के लिए दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर यूज किए जाते हैं। जैसे देखेंगे आप यहां पर कि दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल्स हैं, इसमें टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स है ना, या कंडक्टिंग शेल्स ऐसे कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो है वो है आर वन और इसका रेडियस है आर टू। ठीक, अंदर वाला मान लिया कि इस पर प्लस क्यू चार्ज है, बाहर वाले पर माइनस क्यू चार्ज है। बाहर वाले को अर्थिंग कर दिया जाता है, इसका भी एक स्पेशल कारण होता है ताकि ये वाला जो है वो बाहर किसी इन्फिनिटी के साथ में एक प्लेट नहीं, एक कैपेसिटर नहीं बना पाए। इसलिए अब इसमें क्या होगा कि ये दो प्लेट्स के बीच में इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसी के अंदर एनर्जी स्टोर होगी। अर्थिंग कर देने से इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है और बाहर एनर्जी स्टोर नहीं होता। अगर अर्थिंग नहीं करेंगे तो बाहर भी एनर्जी स्टोर होगी, तो बाहर भी एक कैपेसिटर होगा और अंदर भी एक कैपेसिटर होगा, जिसको कि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर्स बोलते हैं। एक्चुअल में जो स्फेरिकल कैपेसिटर है वो ये है, मतलब कि ये बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और बीच में एनर्जी होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। यहां भी नहीं होगा, सिर्फ दोनों के बीच में। इसमें ये जो स्पेस है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एनर्जी होगी। ठीक, तो सबसे पहले अगर हमें कैपेसिटर कैपेसिटेंस निकालना है तो उसके लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहिए। तो ये जो स्फीयर है इसका पोटेंशियल मान लिया वी प्लस है। ठीक, तो इसके खुद के कारण से पोटेंशियल निकालेंगे इसके सरफेस पर, तो किसी स्फीयर के कारण से, हॉलो स्फीयर के कारण से हमने पोटेंशियल का वैल्यू निकाला था, वो आया था के क्यू बाई आर, है ना। तो इसके कारण से आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई जिसके सरफेस पर निकालना है उसका रेडियस, ये हो गया। अब इसके कारण से यहां पर पोटेंशियल निकालेंगे तो कितना आएगा, इसके कारण से आएगा के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं इसके सरफेस पर किसी कंडक्टर के सरफेस पर उतना ही पोटेंशियल होता है जितना अंदर होता है ना। तो इसके अंदर निकालना है तो इसके सरफेस पर निकाल लेते हैं। सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई इसका रेडियस आर टू, इतना पोटेंशियल जो है यहां पर हो गया है ना। इसके कारण से यहां निकाल लिया और फिर इसके कारण से, खुद के कारण से यहां निकाल लिया, दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब ये जो स्फीयर है इस पर पोटेंशियल निकालते हैं v माइनस, तो इसके कारण से खुद के सरफेस पर निकालेंगे तो आएगा k माइनस क्यू बाई आर टू प्लस, इसके कारण से इस पर निकालेंगे तो इसके बाहर ये पॉइंट है, ये सरफेस है, तो बाहर वाला फॉर्मूला निकालेंगे के क्यू डिवाइडेड बाई सेंटर से इसका डिस्टेंस लेते हैं जो कि आर टू के इक्वल है। ठीक है, तो ये आ गया पोटेंशियल इस पर और इस पर। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वी, मतलब पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। आएगा कितना, के क्यू बाई आर वन माइनस के क्यू बाई आर टू, ये आएगा। इसमें से आप चाहें तो के क्यू कॉमन भी ले सकते हैं, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। ठीक, तो यहां से क्यू का जो वैल्यू आएगा ये इज इक्वल टू वी हो गया, मैं यहां से वी कर देता हूं। ठीक है, तो क्यू का वैल्यू कितना आएगा, के का वैल्यू रख देते हैं वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट उधर जाएगा, ये हो जाएगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर टू माइनस आर वन इंटू वी, ये आएगा। जब k का वैल्यू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो आप सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हैं, ये आएगा, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं, जो फॉर्मूला बताया था q इज इक्वल टू सी वी होता है, इसका मतलब c कितना हो गया, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन इंटू आर टू
बाई आर टू माइनस आर वन, ये आ गया। ठीक, इसी में अगर ऐसा मान लिया जाए कि आर टू जो है इन्फिनिटी है, मतलब ये बाहर वाले का जो रेडियस है बहुत बड़ा है, तो एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं फॉर आर टू वेरी वेरी ग्रेटर देन आर वन, तो ये आर वन तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना। आर टू के रिलेटिव में आर वन वो छोटा होगा, तो आर वन नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये आर टू और ऊपर वाला आर टू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा फोर पाई एफ एल नॉट आर वन, सी इज इक्वल टू फोर पाई एफ एल नॉट आर वन। मतलब कि अगर आर वन रेडियस का कोई स्फीयर है, कोई कंडक्टर है ना, तो उसका अपना कैपेसिटेंस कितना होगा, इतना। उसमें माना जाएगा कि इसका जो दूसरा प्लेट है आर टू रेडियस वाला, वो इन्फिनिटी पर चला गया है। ठीक है, यानी एक सिंपल सा स्फेयर वो भी एक कैपेसिटर होता है, क्योंकि वो भी चार्ज को स्टोर करता है, वो भी एनर्जी को स्टोर करता है ना। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक स्फेयर जो है उसके आसपास भी यहां पर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो एनर्जी स्टोर होता है, भी कैपेसिटर है। वैसे ही अगर यहां अर्थिंग नहीं करते तो इस कैपेसिटर के बाहर भी एनर्जी आती, ये एक अलग कैपेसिटर बनाता। ठीक है, चूंकि हमने अर्थिंग कर दिया तो अब सिर्फ इन दोनों के बीच में कैपेसिटर बनेगा, और उसका कैपेसिटेंस होगा कितना, इतना। तो आपको ये वाला कैपेसिटेंस का फॉर्मूला